हेलो फ्रेंड्स, इजी टू हेल्दी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गुंजन आज फिर एक रेसिपी के साथ। तो बारिश का मौसम आ गया है और ऐसे में चाय पकोड़े खाने का बहुत ही मन करता है, तो आज हमारा भी मन कुछ पकोड़े खाने का हो रहा है। तो मैं भी पकोड़े आज बना रही हूँ। तो मैं कल ही मसाला पनीर बनाई थी, उसी का आज मैं एकदम अलग स्टाइल में क्रिस्पी पकोड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन, 4 चम्मच मैंने बेसन लिया है। और ये है कॉर्नफ्लावर, इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो पूरा देखें। और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़े से धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी हल्दी। और अब इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डालते हुए, एक ही साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैंने ओट्स लिया है, आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं इसकी ऊपर से कोटिंग करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने पनीर को डिप किया बेसन में और इसे मैं कोट करूँगी ओट्स के साथ, जिससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी क्रंची बनेगा पकौड़ा। और मैंने पैन में ऑयल गरम कर रखा है और अब मैं इसमें पकौड़े डाल दे रही हूँ तलने के लिए। तो ऐसे ही पकौड़ों को डीप करके डालना है, पहले बेसन के घोल में डालेंगे और फिर ओट्स में कोट करके डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने पकौड़ों को डाल दिया है और अब इसे दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इस स्टाइल से पनीर पकौड़ा बहुत ही मस्त लगता है खाने में, क्योंकि इसमें पहले से भी फ्लेवर है। मैं इसकी भी रेसिपी डाल चुकी हूँ, इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, हल्के मसाले के साथ भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो ये देखिए, पकौड़ा फ्राई हो चुका है और मैं प्लेटिंग कर रही हूँ इसकी। तो चलिए फिर ट्राई कीजिए पनीर पकौड़ा। थैंक यू, बाय बाय।